फिल्म इंडस्ट्री के लोगों की मानसिकता सड़ चुकी है। अक्षय कुमार की फिल्म खट्टा मीठा की एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन को लेकर ऐसा बयान दिया गया है कि सुनकर आपका खून खौल उठेगा। जाने माने एक्टर मंसूर अली खान ने कहा है कि वो हाल ही में त्रिशा का रेप करना चाहते थे, लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया गया। त्रिशा ने हाल ही में विजय तलापति की फिल्मों में काम किया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट रही। इस फिल्म में मंसूर अली खान ने भी काम किया। मंसूर साउथ फिल्मों में विलेन का रोल निभाते हैं। हालांकि इस फिल्म में उनका छोटा रोल था और उन्होंने त्रिशा के साथ स्क्रीन भी शेयर नहीं की। अब हाल ही में एक इंटरव्यू में मंसूर ने कहा, मुझे जब मालूम हुआ कि मैं त्रिशा के साथ काम कर रहा हूं, तो मुझे लगा कि ये एक बेडरूम सीन होगा। मुझे लगा कि मैं फिल्म में त्रिशा को उठाकर बेडरूम में ले जाऊंगा, जैसा मैंने और भी कई एक्ट्रेसेस के साथ पहले भी फिल्मों में किया है। मैंने पहले भी कई रेप सीन किए और मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इन लोगों ने कश्मीर की शूटिंग के दौरान मुझे त्रिशा को देखने तक नहीं दिया। जब त्रिशा का ध्यान इस वीडियो पर गया तो वो बुरी तरह भड़क गई। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि हाल ही में मेरे ध्यान में एक वीडियो आया जहां मिस्टर मंसूर अली खान मेरे बारे में काफी गलत तरीके से बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं इसकी निंदा करती हूं, इसे सेक्सिस्ट, अपमानजनक और स्त्रियों के खिलाफ मानती हूं। वो मेरे साथ काम करने की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन ये मेरी खुशकिस्मती रही कि मैंने उनके जैसे नीच आदमी के साथ कभी काम नहीं किया और कोशिश करूंगी कि भविष्य में भी ना करूं। उनके जैसे लोग इंसानियत पर दाग हैं। एक्टर मंसूर अली खान के खिलाफ एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन को लेकर आपत्तिजनक बयान देने को लेकर मामला दर्ज हो गया है। नुंगंबक्कम पुलिस ने मंसूर अली खान के खिलाफ आईपीसी की धारा 354A और 509 के तहत मामला दर्ज किया है। फिलहाल इस वीडियो पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।